Hey everyone, welcome back to my channel. This is Afrin Sheikh and I'm back with a new reaction video. So as you can see the title, मैं आज देखने वाली हूँ डिंडोरा एपिसोड 1 लग गई बीबी की वाइंस का जो अभी वेब सीरीज स्टार्ट हुई है इनकी. तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मैं फर्स्ट अभी देख रही हूँ. मैं डायरेक्टली यही देखने वाली हूँ. तो अब तक तो एपिसोड 4 भी आ चुके हैं बट मैं एपिसोड 1 अब देख रही हूँ आप लोगों के साथ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज अब तक मैंने इनके कॉमेडी वीडियोज़ जो आते थे जैसे आप लोग देखते थे मैं वही देखती थी. बट ये जो है एपिसोड है तो पता नहीं इसमें ढिंडोरा के जो टाइटल है इससे रिलेटेड क्या होगा क्या नहीं वो देखने के बाद पता चलेगा. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. सो लेट्स सी द वीडियो गाइस एंड विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Disclaimer. एक सौ 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला हमारा देश जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बसते हैं, हर घर में ख्वाब बुने जाते हैं, जीने के अलग तरीके चुने जाते हैं. यहां प्यार है, तकरार है, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहना बरकरार. कुछ भाषाएं ऐसी मानो जुबान में मिश्री खुली. एक ऐसा ही शहर जहां का स्वभाव और जुबान जैसे गुड़ के पकौड़े. ओए बहन कलावे, दिल्ली काफ मैं भी यही बोल पाता. ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें आज तक सच्चा प्यार नहीं हुआ ना? प्यार बवासीर की तरह होता है, एक बार होता है लेकिन दर्द बहुत देता. कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना? मैंने तुम्हें मना किया था ना. निकालो निकालो. तुम्हारा फोन बज रहा है. ओ हेलो, क्या अमेजिंग. उस मासूम को भनक तक नहीं थी कि सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है. दिल तो पागल है वो लोग में जाके महंगी वाली कॉफी पीते. ये है घरेलू तरीका पानी वाली कोल्ड कॉफी बनाने का. मैकडोनाल्ड वाले हमसे ही तो सीख के गए. एफकेसी वाले क्रशर के नाम पे बर्फ चढ़वाते हैं. ये बहुत लेट हो गया यार आज. अब हम बनाएंगे सुशी. ओके. ये जापान की सबसे पसंदीदा फीकी चीजों में से एक है. दिखने में टिश्यू पेपर जैसा और स्वाद में गीले टिश्यू पेपर जैसा. इसमें चीज, पाइनएप्पल, एवोकाडो बिल्कुल मत डालिएगा, टेस्टी बन जाएगा. अरे लेट हो गया, नाश्ता लगा दो. देखते साथ ही मुझे हंसी आ जाती है इनका फेस. ओए तेरे को कॉलेज नहीं जाना? अभी टाइम है. बेटा पहले मैं भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर तू आ गया. वो अखबार दे जरा. क्या कर रहे हो बाबा, तांत्रिक हो क्या? मेरे सारे बाल खराब कर दिए आपने. तू कॉलेज पढ़ने जाता है या फैशन करने जाता है? फिदा है इन बालों. आ रही है तेरी कॉलेज से. टीचर बोल रहे हैं ये कौन लड़की है जो बॉयज टॉयलेट में खड़ी होकर हल्के हो रही है. अरे नाश्ता कहाँ गया यार? अरे वाह पोहा. माय फेवरेट. फिर से पोहा. आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? अच्छा. अरे नहीं बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था. नहीं ठीक है ठीक है, समझ गया. ले ले.
इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता? आप लोग रोज रोज पोहा कैसे खा लेते हो यार? बेटा बाहर जाकर देख, लोगों को पोहा तक नसीब नहीं होता। बहुत खुश नसीब है वो लोग पापा। तू पोहे के पीछे के इमोशन को समझ। हमें इमोशन की नहीं, प्रमोशन की जरूरत है। क्या बोला, क्या बोला ये, क्या बोला ये? आप ठंड रखो। ये मेरे दफ्तर की बातें ना करे तो बेहतर होगा। पहले अपने गिरेबान में झांक ले, उसने टी शर्ट पहनी है। बड़ा आया हीरो बनने, जीरो है जीरो। ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा, ऑमलेट। अरे मनोज तिवारी है क्या? आप ठंड रखो। बर्फ चबा लूं? बोलो चबा लूं? ठंड रखो, ठंड रखो। शर्मा जी, मेंस लगवाने को कहा है नगर निगम पार्षद साहब को। पेट तो देखो, सुनता ही नहीं। अपना बचपन याद है ना, कैसे खेला कूदा करते थे। आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे मोबाइल भी लगे रहते हैं। शर्मा जी, अब पार्क में झूले नहीं लगेंगे तो लड़के खेलेंगे कहाँ? आपके झूले पे बेंच लगवानी है इनको। पैसे मांगने तो मेरे घर ही आ जाएंगे। अरे बाप रे, बस का इंतजार किया तो लेट हो जाऊंगा। रिक्शा पकड़ लेता हूँ आज। नहीं, अरे रिक्शा, रिक्शा दरियागंज जाएगा क्या? लाले को आ जाऊंगा। क्यों भाई, काम करने निकला, सैर करने निकला है? पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ। अबे इसको जाना है। इन्हें ले जाओ, आप चल ले यार, आधे आधे कर लियो। दोनों तो एकदम साथ में दिखा रहा था, फिर भी थोड़ा ऐसे ऐसे था। जानते हो एक दूसरे को? नहीं, वो शक्ल सेम लग रही थी और जान पहचान भी लग रही है। मेरी माँ का पति है, तू आगे देख के चला ना। बाप हुआ ना उसका। किस टाइप की सिंगरिंग करता है तू? सिंगरिंग अकोस्टिक सेमी क्लासिकल। बेटा इस टाइप की सिंगरिंग में ना सिर्फ दुआएं मिलती हैं, दौलत नहीं मिलती। वो कराकर, वो आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है रैप है? क्या बनाते हैं वो, पिश ट्रैक, डिस ट्रैक। भैया जी, भैया मैं भी लिखता हूँ रैप। अच्छा, तू रस्ते पे ध्यान देना यार। नहीं नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। आप सिंगरिंग वाले शो में जाइए ना, है इनके पास तो दुखद स्टोरी भी है, खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद इरशाद। राशिद इरशाद। पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गाल लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है, 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 है। धुआं है या कोहरा, पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जीवी 64। अरे राइट से लो यार, लेफ्ट से ले लो। राइट से लो, पापा मैं लेट हो जाऊंगा। लेफ्ट से ले, तो मैं भी लेट हूँ बेटा। राइट से लो। अरे मेरा गार्ड मुझे अंदर घुसने नहीं देगा पापा। लेफ्ट ले, राइट से लो यार। लेफ्ट ले रहा कि नहीं? बेटा धमका मत उसको, तू राइट से ले ना। हाँ हाँ, लेफ्ट। खुद ही मार रहा है, धमका मत बोल। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अरे राइट, लेफ्ट, राइट। अरे क्या हो गया? हे क्या? अच्छा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे भाई साहब? चल यार। अरे ये कौन चलेगा? चलो। अरे अल्लाह, सीखा कभी? आप क्यों बैठे रिक्शा में? You are late, bro. Auditions are over. अरे मैं तो टाइम पे आया हूँ। Bro, तू पूरा 20 मिनट लेट है, नहीं हो पाएगा। अरे नहीं यार, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बेचारे इतनी दूर से रिक्शे से आए हैं, सस्ते जॉनी डिप लगते हैं यार। पहले उनका गाना तो सुन लो, ये बच्चा पे गलत कमेंट करना भाई समझ के। मैंने छोटा सा वीडियो देखा था, कुछ किस दिल से बुरा लगता है। ओके, यू हैव गॉट 40 सेकंड्स, थैंक यू। ये वो गाना ही होगा लगता, जो काफी ज्यादा नहीं के आ रहा था। जैसा सुना दे जिससे इनकी गांड फट जाए। गांड के नीचे बम रख दूं? ये बच्चे ने कमाल एक्टिंग की। वेट, ये क्या इसने ले लिया क्या? बबलू जी, बबलू जी, लगता है आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। क्यों, क्या हुआ? बॉस ने आपको बुलाया है। हैं? क्यों? पता नहीं, लेकिन खुश लग रहे हैं।
अच्छा सैलरी बढ़ाएंगे क्या? मुझे क्या पता, लेकिन मेरे सामने दो लोगों को रेन्यूमरेशन दिया है। क्या रानू मंडल क्या? अरे बबलू जी सैलरी सैलरी। अरे वाह किसकी? ओबराय साहब और मलिक साहब की। अच्छा वैसे उनको जरूरत है नहीं है? ओबराय और मलिक तो अमीरों के ही नाम होते हैं। नहीं अरे सिंगानिया इधर आइयो। आया सर। तो आज ये मेरा पहला दिन है कॉलेज में, अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये क्या है? अरे ये तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पूरे कॉलेज का चक्कर काट के अब वक्त मिल रहा है तुम्हें आने का। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज में पहुंचने वाला सबसे पहले मैं ही था। सर क्योंकि आपके पिताजी पीयून थे ना, तो आपका तो कॉलेज जल्दी आना बनता था गेट खोलने के लिए। चुप करो। म्यूजिक क्लास बैंड सब जगह से तो रिजेक्ट हो चुके हो। नहीं नहीं सर मेरी गिटार में बैटरी नहीं थी, और वैसे भी जब मैं गाता हूँ सब रो देते। इतना बुरा गाते क्यों फिर? होमवर्क किया? किया था सर, कॉपी लाना भूल गया। बैग के अंदर कॉपी नहीं, गिटार के अंदर बैटरी नहीं, खुद के अंदर बची कुची कुछ शर्म है या वो भी बेच खाई? उठाओ 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 इधर दो। सारे कैरेक्टर एक साथ इसमें भी है। हाँ वही किधर है वो हॉटी टुन्नी वाला? उस दिन कह रहे थे लटकने से हाइट बढ़ती है। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुन्नू जमीन पे रेंग रहा होता। वो कहाँ तुम दोनों? भाई समीर की दादी चल बसी। क्या बात कर रहे? हाँ 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 गई मेरी दादी, उन्हीं के बगल में ही खड़ा हूँ। ये तुम्हारी दादी है? हाँ दादी। काफी हट्टी कट्टी दिख रही है। नहीं नहीं पेट के बल लिटाया कुबड़ी थी। क्या? भाई जल्दी आ जाओ दादी को कंधा देना। हाँ हाँ जाओ, एक काम करो मैं भी चलता हूँ, चार कंधे हो जाएंगे। नहीं 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 दादी होतियों से दूर रहती थी। अब ये बताओ व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? ठंडा कहाँ है यार, फिर से रिजेक्ट हो गया। आज तो दबा के पीऊंगा, पिला दो प्लीज। आ जा मीठा पिएगा तीखा पिएगा? गोलगप्पे वाले के यही डिसाइड करेंगे ना, जल्दी आ जाओ। मैं भी दादी को निपटा के आता हूँ। अभी तेरा तो अलग ही है। आइए देखते हैं यहाँ पर इन्हें क्यों बुलाया है। बहुत दिन बाद आए भाई। अरे रोज कह रहने दीजिए, आप आइए। Disgusting. बैठ। ये कैसा ऑफिस है बॉस का? बबलू जी आपको पता है मैं यहाँ मीटिंग क्यों करता हूँ? जी नहीं। बहुत साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं काम की जगह हक दिया करता था, पर यहाँ बैठे बैठे मुझे आए हाय कमाल कमाल के आइडिया आते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों की जगह एक्सचेंज कर दी। ये मैं आपके लिए लाया हूँ घर से स्पेशल बनवा के। सो स्वीट। वास्तव कितना यूनिक है ऑफिस रियली। ठीक है वहीं पर धोएगा वो। नाइस बस बस बहुत मजा आ रही है सही में। बबलू जी प्रमोशन के बाद ना ये सब मत खाना। अरे क्या कबूतर की तरह गर्दन इधर उधर हिला रहे, गर्दन लचक के टूट जाएगी फिर उठा नहीं पाएगा। बबलू जी मैनेजर बना रहे हैं आपको। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर, दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रूथ। बहुत पहले लेटर लिखा था इसी दिन के लिए, मेरा जो बेटा है उसके दोस्त ने लिखने में मदद करी,
अगर आपकी इजाजत हो तो डियर बॉस कैन नॉट थैंक यू इनोघ फॉर गिविंग मी दिस ऑपर चटनी आई विल गिव माई हार्ट माई सोल एंड माई हेरी एस फॉर दिस कंपनी माई हार्ट इज बीटिंग एज फास्ट एज आई बीट माई प्रिक ड्यूरिंग नो नट नवंबर आई बीट माई प्रिक ड्यूरिंग नो नट नवंबर Big respect to your wife for marrying a ball sack like you. वरना आज के जमाने में बातें जैसे कोयल these bitches ain't loyal. बबलू जी बहुत मजा आएगा आपको बस हमने आपकी सैलरी कम कर सीनियर का काम ही क्या है दीपावली में रंगोली बना लेना दिन में एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया वेल डन बोल दिया है करनी है क्या टट्टी नहीं हम कर लें हाँ जी हाँ जी करिए तो जाओ फिर जी अरे बाप रे क्या रखा है इस दुनिया में ये समाज तुझे कुछ नहीं देगा पैसे कमाने के लिए लोग नौकरी करते हैं चोरी करते हैं डाका डालते हैं इलेक्शन लड़ते हैं बोलते हैं इतनी मेहनत ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना देगी करोड़पति तू इस अंगूठी से सारे सपने पूरे हो जाते हैं गधे के सर पे बाल आ जाते हैं फिल्म सितारों की फिल्में हिट हो जाती है गुप्त रूप ठीक हो जाता है अरे सोच क्या रही है फोन उठा अरे यहाँ वहां कहाँ देख रही है बेडरूम में लगा है फोन चार्ज होने फोन आओ ओके ओके वो आ भी गया वो हमें इमोशन की नहीं प्रमोशन की जरूरत बबलू जी बहुत मजा आएगा आपको बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी सीनियर का काम ही क्या दीपावली में रंगोली बना लेना दिन में एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया वेल डन बोल करनी है करनी है करनी है टट्टी 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 क्या कमाल है ना जिंदगी मादर चोद है ए गाली देता है अरे साहब अपने पास जो है वही तो दूंगा ना चाचा अपना काम कर अरे साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ आपके पास कोई काम नहीं तो मेरे बगल में आके बैठ जाओ नहीं तो ये लॉटरी का टिकट आजमा लो आजमा ली फूटी किस्मत है मेरी अरे साहब क्या चिंदी चोरी कर रहे हो आप अच्छा सुनो ना यार अरे तू मेरा दिमाग मत खराब कर यार जाए यहाँ से ये ले लोगे तो मेरा खाने का हो जाएगा कितने की है 500 रुपये एक तो सैलरी वैसी आधी हो गई ऊपर से इसको 50 क्या खाएगा पोहा साहब वो नंबर लिखा है मिला लेना चलो
तो देखकर तो मुझे खुशी हो गई। बहुत महंगी है। अरे कहाँ बेटा, दादा कहाँ मांग रहा। पर 1100 नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं बेटा, होंगे अंदर, देखो आटे के डब्बे में जरूर मिलेंगे। अगर इतने पैसे होते तो अंगूठी की जरूरत ही क्या थी। ऊपर वाले से नहीं, कम से कम मुझसे तो डर। 2 मिनट रुको। लोगों का बाबाओं से भरोसा ही उठ गया। ए तो फ्रंटल बना जरा आगे। हाँ तो लिखिए, गुप्त रोग का पहला फायदा है कि वो गुप्त है। तो मेरा सब उड़ जाएंगे। अरे इसको बता देगी तो जाओ। क्यों? ये अंगूठी लो जाओ। अरे हुआ क्या? मेरा सोफा। अरे सोफा हुआ क्या? ये तो बता हुआ क्या, बता दो। छोटी हाइट कर। अरे जाओ, ध्यान से सुनो, किसी को बताना मत। कान सोफी लगी है। ये क्या बोल रही है, कुछ सुसराई नहीं। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे पैसे तो दे दे। ये लो, ये 1200 रुपए ले लो। 1200 नहीं, 1400। ये 200 और ले लो। हाँ। आपके मटर छीलोगे। थैंक यू। इट वर्क्स डूड। हमला नगर दे बर्गर वे मैं, हमला नगर दे बर्गर वे मैं खानिया, मेट्रो लेके फिर शहर नू, शहर नू, शहर नू जानिया। ओके गाइस, तो मैंने पूरी वीडियो देखी। मुझे एक एक सीन इसमें इतना मज़ेदार लगा। रिक्शा वाले का सबसे पहले तो मैं रिक्शा वाले के रैप के बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है वो, बहुत अमेजिंग। उनका रैप सुनकर तो मैंने इतना हंसी, मुझे इतना मज़ा आया ना सुनकर, बहुत फनी लगा। अदरवाइज़ जो ऑफिस का लुक था, बॉस की ऑफिस का, बहुत यूनिक था। आप लोगों को पसंद आएगी? मुझे तो बहुत थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लग रहा था देखकर वो, बट यूनिक था काफ़ी। और कितना फनी जो फनी एक्टिंग किया था उन्होंने भी, जो बॉस थे। अदरवाइज भुवन जी ने पूरा पूरे एपिसोड में जो अपना अपना ही एक ही इंसान, वो इतने सारे कैरेक्टर किए उन्होंने वेब सीरीज एपिसोड 1, मतलब कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने भुवन का ऐसे देखा वीडियो, क्योंकि मैं हमेशा इनकी जो कॉमेडी वीडियोस थी वो बहुत कम देखी। मैंने काफ़ी कम देखा इनकी वीडियो, लेकिन अब जो मैंने एपिसोड 1 देखा, ऐसा लग रहा था कोई मूवी, मतलब मूवी भी आजकल ऐसी नहीं बन रही है, मूवी भी ऐसी नहीं बन रही है। तो ये इतना एपिसोड 1 कब ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं देखते देखते इतनी ज़्यादा खो गई थी उसमें, एंड जब पता चला कि एंड हो गया तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। ओके, सो एपिसोड 1 तो मैंने देख लिया काफ़ी। अब इंशाल्लाह और भी सारे एपिसोड्स मैं देखती रहूँगी। तो मेरा रिएक्शन जो है वो एपिसोड 1 पे आया। बाकी मैं हर एपिसोड पर रिएक्ट नहीं करूँगी, बिकॉज ये अच्छा नहीं होगा। उनकी काफ़ी मेहनत है, तो वो अपने एपिसोड्स बना रहे हैं और सीरीज़ अपनी चला रहे हैं, और मैं इस तरह से हर एपिसोड को रिएक्ट नहीं कर सकती। सो यहाँ आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन इस पर पसंद आया होगा। मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत हंसी हूँ मैं, मेरा पूरा मूड ही चेंज हो गया मेरा। तभी मैं क्लास जाऊँगी तो मुझे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मन और दिमाग लगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। जो मास्टर जी थे वो भी इसके अंदर थे, वाइफ वाला रोल, सारे सारे रोल थे इसके अंदर, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, मैं एकदम से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे आंखों के सामने अभी भी वो सीन्स है ना, ऐसे ऐसे घूम रहे। तो बस ये था आज का रिएक्शन वीडियो। आप लोग ने काफ़ी इस पर ही वोट किया था, कम्युनिटी पर मैंने डाला था तब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। सो अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन इस पर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है इसके अंदर। अदरवाइज ऑरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यहाँ इसी तरह मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।